आठवीं चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम चरित्र सुन बेर को रसिया, राम लखन सी तामन बसिया। प्रभु रामचंद्र जी जब किष्किंधा में थे और सारे वानरों को मिल रहे थे, क्योंकि सारे वानर अब सीता माता को ढूंढने के लिए निकलने वाले थे, सारे वानर अचंभित थे। कभी भी उनके जो स्वामी है उनसे चर्चा नहीं करते थे, उनसे मिलते नहीं थे। पहली बार ऐसे हो रहा था कि कोई उनसे इतना प्रेम से मिल रहा था। प्रभु रामचंद्र जी ने सारे वानरों से भेंट की और किसी को गले लगाया, किसी को आशीर्वाद दिया और सबको भेंट प्रदान की। अंत में रामचंद्र जी की निगाहें हनुमान जी को ढूंढ रही थी और अंत में हनुमान जी खड़े थे। जब रामचंद्र जी से हनुमान जी मिल रहे थे तो वो झुक गए और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया। रामचंद्र जी के चरण हनुमान जी पकड़े हुए हैं। रामचंद्र जी उन्हें पकड़कर उठाते हैं और कहते हैं कि हनुमान, मैंने सबको सब भेंट प्रदान की, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जब परशुराम जी आपसे मिले तब आपने परशुराम जी से कहा था कि मेरे पास जो सबसे छोटी चीज है वो मेरा नाम है, केवल दो अक्षर राम। तो प्रभु आप मुझे आपके पास जो सबसे छोटी चीज है वो मुझे प्रदान कर दीजिए, आपका नाम, मुझे राम नाम प्रदान कर दीजिए। हनुमान जी का यह शरणागत भाव देखकर प्रभु रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी कभी भी राम नाम और राम कथा सुनना त्यागते नहीं है। जहां पर राम नाम है, जहां पर राम कथा है, प्रभु रामचंद्र जी के अनन्य साधारण भक्त हनुमान वहां पर उपस्थित है। वो कोई भी अवसर खोना नहीं चाहते राम नाम लेने का, राम कथा करने का और सुनने का। प्रभु चरित्र सुन बे को रसिया, बड़े रसिक बनकर हनुमान जी इसे सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। राम नाम के प्रति उनकी रुचि इतनी प्रगाढ़ है। जब प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने तब एक दिन शिव जी और पार्वती इन्होंने सोचा कि चलो रामचंद्र जी से मिलकर आते हैं। तो दोनों अयोध्या में आ गए। माता सीता ने दोनों का स्वागत किया, प्रभु रामचंद्र जी ने स्वागत किया। फिर दोपहर के समय में सीता माता ने कहा कि आप आ गए हो, थक गए होगे, अभी चलिए प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, फिर आप विश्राम करना। तो सीता माता शिव जी पार्वती जी इनको लेकर प्रसाद वितरित करने लगी। शिव जी बैठे हुए, पार्वती मैया बैठी हुई, शिव जी की आंखें कुछ ढूंढ रही है। प्रभु रामचंद्र जी ने पहचान लिया और कहा जो शिव जी के मन में था। शिव जी सोच रहे थे, हनुमान किधर है, मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान बगीचे में होगा। तो शिव जी ने कहा कि चलो अभी जाकर देखते हैं। वो वहां से तुरंत उड़ गए। शिव जी और पार्वती मैया हनुमान को देखने के लिए बगीचे में चले गए। उन्होंने बहुत ढूंढा, कहीं पे हनुमान दिखे नहीं, लेकिन राम नाम सुनाई दे रहा था। उस राम नाम के ध्वनि को सुनते सुनते उस ओर शिव जी और पार्वती जी चले गए। उन्होंने देखा कि एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ के नीचे हनुमान जी सो रहे थे। हनुमान जी सोए हुए हैं और खर्राटे ले रहे हैं और उनके खर्राटों की जो आवाज निकल रही है वो राम नाम था। सोचिए, जब हम जगे हुए हैं तब भी भगवान का नाम इस मुंह से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। हनुमान जी सो रहे हैं, उनके खर्राटों की आवाज राम नाम है। शिव जी हनुमान जी को देख रहे हैं, शिव जी हनुमान जी को देख रहे हैं, पार्वती मैया पेड़ को देख रही है। पार्वती मैया ने शिव जी को कहा, ऊपर देखिए ना, ऊपर जो सारे पत्ते हैं ना वो हिल रहे हैं, इन खर्राटों की ध्वनि से ये सारे पत्ते हिल रहे हैं, क्योंकि खर्राटों में राम नाम है, पत्तों की जो आवाज हो रही है उससे भी राम नाम निकल रहा है।
जब हनुमान के खर्राटों में राम नाम, आम के वृक्ष के पत्तों का राम नाम, ये सुंदर संगीतमय कीर्तन देखकर शिवजी नाचने लगे, शिवजी नृत्य करने लगे इस राम नाम में। शिवजी को देखकर पार्वती मैया नृत्य करने लगी। अब यहां पर ये इनका कार्यक्रम चल रहा है, उधर सीता माता कह रही है कि अरे काफी समय हो गया लक्ष्मण, जरा देखकर तो आओ शिवजी और पार्वती कहां है। लक्ष्मण जी आए और जब लक्ष्मण आए उन्होंने हनुमान को देखा, पत्तों को देखा, शिवजी को देखा, पार्वती को देखा और इतना सुंदर संकीर्तन चल रहा है, लक्ष्मण भी नाचने लगे। काफी समय हो गया, माता सीता ने कहा भरत जाकर देखकर तो आओ। भरत चले गए, भरत भी गायब। फिर शत्रुघ्न को भेजा, शत्रुघ्न भी संकीर्तन में रममान। यह सब देखकर स्वयं प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता उस स्थान पर आए और जब प्रभु रामचंद्र जी ने यह देखा, प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी के सर के पास बैठ गए। उन्होंने हनुमान के सर पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। जब प्रभु रामचंद्र जी का यह हस्त कमल स्पर्श हनुमान को हुआ, हनुमान जी उठ गए और उन्होंने देखा कि ये सब लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान के मुख से निरंतर राम नाम प्रवाहित होता है। प्रभु रामचंद्र जी बड़े खुश हो गए। शिव जी पार्वती मैया इतना गुणगान कर रहे हैं हनुमान का, मानो संसार का सबसे श्रेष्ठ आनंद प्राप्त हुआ होगा। शिव जी गुणगान कर रहे हैं, पार्वती मैया गुणगान कर रहे हैं, रामचंद्र जी गुणगान कर रहे हैं। सीता माता कहती है अभी प्रसाद लेने के लिए चले, तो फिर प्रसाद लेने के लिए सब लोग चले गए। तो हनुमान जी फिर से गायब, कोई सेवा करने के लिए, राम काज करीबे को आतुर, जो भी कार्य मिले वो रामचंद्र जी के लिए करने के लिए वो निरंतर लालायित रहता है, तो कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए इधर उधर भाग गए। सीता माता ने देखा ये अभी भी छुप रहा है, तो सीता माता ने हनुमान जी को बुलाया और चलो बैठो, और रामचंद्र जी के बाजू में हनुमान जी को प्रसाद लेने के लिए बिठाया। हनुमान जी नहीं बैठ रहे थे, क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु है, उनके बाजू में बैठकर कैसे खाना हो। सीता माता ने कहा नहीं बैठो, और रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी को बिठाया, और जब बिठाया तो हनुमान जी बड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन अब बैठ गए। एक निवाला खा लिया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, सब समाप्त हो गया, सबका खाना समाप्त हो रहा है। हनुमान जी सीता माता माता और प्रसाद आया, हनुमान जी समाप्त किया और आया, और कोई इधर उधर का ध्यान नहीं रखा, हनुमान जी खाते जा रहे। अब सीता माता को चिंता होने लगी, इधर तो सब समाप्त होने वाला है तो क्या करें। तब सीता माता ने एक तुलसी का पत्र लिया, उस तुलसी पत्र पर राम लिखा और हनुमान जी के प्लेट में रख दिया। हनुमान जी ने उठाया और खाया, संतुष्ट। राम नाम से जो संतुष्टि हनुमान जी को प्राप्त होती है ना, उससे अधिक संतुष्टि हनुमान जी को किसी चीज से प्राप्त नहीं होती। राम चरित्र सुन बे को रसिया, यह हनुमान जी निरंतर राम नाम और राम कथा के लिए लालायित रहते हैं। यह है हनुमान। जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तब हनुमान जी के गुणों का, उनके कार्यों का, उनके सेवा भाव का गुणगान प्रभु रामचंद्र जी ने किया। सीता माता भी बड़ी कृतज्ञ थी हनुमान जी के लिए, तो सीता माता ने अपने गले से एक हीरे का हार निकालकर हनुमान जी को प्रदान किया। तो हनुमान जी ने वह हार लिया और अपनी वानर चाल से उस हार को लिया, ऐसे देख रहे, ऐसे देख रहे, फिर एक एक मणि को अलग कर देख रहे। सारे जो दरबारी थे ना वो हनुमान जी को ही देख रहे, सारे अयोध्यावासी सोच रहे बंदर ही है, बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है। इतना ही नहीं, फिर हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने एक हीरा लिया और अपने दांतों तले दबाया। अब हीरा सबसे कठिन होता है, लेकिन हनुमान तो हनुमान जी, उनके दांतों ने हीरे को तोड़ दिया और फिर वो टूटे हुए हीरे को हनुमान जी देख रहे, अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया, दूसरा फेंक दिया।
सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हैं हनुमान? तो लोग चिल्ला रहे, क्या देख रहे हो भाई? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं इस भेंट में, इन हीरो में राम जी को ढूंढ रहा हूं। तो अयोध्या वासियों ने हनुमान जी का मजाक उड़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐसे हीरो में कहां राम दिखेंगे, वो तो सामने बैठे हुए हैं। एक अयोध्या वासी ने कहा कि अरे, जिसके मन में ही राम ना हो उसे बाहर राम कहां से दिखेंगे। ऐसे सब लोग चिल्ला रहे थे, इतने में बड़ा चित्कार हुआ और सब तरफ ऐसे रक्त बिखर गया। सबने देखा, अयोध्या वासियों ने, रामचंद्र जी ने, माता सीता ने, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबने देखा। हनुमान जी ने अपना छाती फाड़कर अपने हृदय को चीर कर देखा। ना केवल हनुमान ने अपितु सब ने स्वयं प्रभु रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण को हनुमान के हृदय में देखा। राम लखन सीता मन बसिया, ये हनुमान जी हैं जो राम नाम, राम कथा के लिए लालायित रहते हैं और अपने हृदय में प्रभु रामचंद्र जी को बिठाते हैं। राम चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हैं हमारे हनुमान। एक बार रामचंद्र जी और माता सीता, इन दोनों में विवाद हो रहा था, बड़ा प्यारा विवाद था। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हनुमान का समर्पण और भक्ति मेरे प्रति सबसे ज्यादा है, और सीता माता ने कहा कि नहीं, आपके प्रति नहीं है, मेरे प्रति है। अब क्या करें? दोनों ने हनुमान को बुलाया, बोले उसे कहेंगे कुछ नहीं। सीता माता ने कहा कि हनुमान, मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल ला दोगे? हनुमान जी ने कहा, जी माते। जैसे जा रहे थे, रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान मेरा सर बहुत दुख रहा है, थोड़ा पंखा चलाओगे? अब क्या करें? माता सीता की आज्ञा पालन करें तो रामचंद्र जी की सेवा में देर हो जाएगी, और रामचंद्र जी की सेवा करें तो सीता माता की आज्ञा पालन करने में देर हो जाएगी, तो क्या करें? लेकिन अपने तो हनुमान हनुमान है, वो वहां पर खड़े रहे, अपना हाथ लंबा किया, पानी लेकर आए, ये हाथ लंबा किया, मोर पंख लेकर आए, सीता माता को जल दिया, रामचंद्र जी को मोर पंख से हवा देना शुरू कर दिया। दोनों कार्य एक साथ किए। ये है हमारे हनुमान जो माता सीता और रामचंद्र जी के सेवा के लिए लालायित रहते हैं और उनको अपने मन में धारण करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, हरे कृष्ण।